नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पैसों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं हर समय आखिर पैसे की ही बात क्यों। दोस्तों, जिसके पास पैसा होता है उसके लिए तो ये हाथों का मेल है, परंतु जिस व्यक्ति के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि, इन जिम्मेदारियों के कारण वह भलीभांति जानता है कि पैसे का उसके ज़िंदगी में क्या महत्व है। यही कारण होता है कि अपना पूरा दिन मनुष्य मेहनत कर पैसे को कमाने में लगाता है। पैसा कमाने के लिए मेहनत तो जरूरी होती ही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी यदि हम पर हो जाए तो हमारे बुरे दिन बदल जाएंगे अच्छे दिन में। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर है तो आपको कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु वहीं माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाए तो आप भले ही कितनी मेहनत कर लें परंतु गरीबी में ही आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में घर की महिला को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जिस घर में संस्कार होते हैं, घर की महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। शास्त्रों में बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं जिसमें अपनी गृहस्थी को खुशहाल रखने के लिए हर स्त्री को संभव प्रयास करने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारे ग्रहों, नक्षत्रों, इन सब का तो हमारे घर पर तथा जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे घर पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही असर पड़ता है। जैसे कि घर का मुख्य दरवाज़ा, घर के मुख्य दरवाजे से सिर्फ हम ही घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, बल्कि हमारे साथ जो निगेटिव एनर्जी भी आती है वह भी घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, कभी कभी आपके घर में निगेटिव एनर्जी जो प्रवेश करती है वो इतनी ताकतवर होती है कि घर की सुख शांति और चैन समृद्धि सब रोक देती है तथा परेशानियाँ सब बढ़ जाती है। घर में सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हमारे वास्तुशास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है। दोस्तों, वास्तु के साथ ही ज्योतिष भी यह कहता है कि आप घर में प्रवेश करने वाली इन निगेटिव एनर्जी को वास्तु प्रतीक के माध्यम से ही दरवाजे पर रोक ले। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष प्रतीकों का वर्णन है जो नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देते हैं तथा पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में बनाते हैं। यानी कि बुरी आत्मा या बुरी शक्ति, जो भी बुरी नज़र है, वो हमारे घर पर यदि आए तो इन वास्तु प्रतीकों के माध्यम से हम उन्हें घर में आने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे दैनिक कामों के कारण, जैसे ऑफिस हमें जाना होता है या फिर घर का काम होने के कारण, हम इन्हें अपने दरवाजे पर बनाने का हमें समय नहीं मिल पाता। इसलिए वास्तुशास्त्र में इसका सबसे उत्तम उपाय बताया गया है कि आप अपने घर के दरवाजे पर वास्तु त्रिशूल को टांगें। दोस्तों, आप त्रिशक्ति के बारे में शायद जानते होंगे, अर्थात त्रिशूल, ओम तथा स्वास्तिक। इन तीनों चिन्ह का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है और जहाँ भी ये तीनों चीज़ एक साथ होती है, समझो उस घर में बरकत ही बरकत होती है। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक चिन्ह घर में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है, वहीं ओम का चिन्ह काली शक्ति, बुरी ऊर्जा, यहाँ तक कि मृत्यु से भी विजय प्राप्त करने वाला माना जाता है। और वहीं त्रिशूल भगवान शिव का शस्त्र है। जहाँ त्रिशूल रहता है वहाँ व्यक्ति के कर्म, विचार और भाव, ये तीनों ही सकारात्मक हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस ओम स्वास्तिक त्रिशूल को अपने घर के दरवाजे पर लगा दें तो यह बुरी ऊर्जा को आपके दरवाजे पर ही रोककर नष्ट कर देगी तथा आपका घर हमेशा सुख शांति एवं समृद्धि से भरा रहेगा। आप इसे अपने ऑफिस या फैक्ट्री के दरवाजे पर कहीं भी टांग सकते हैं। ये आपको आपके व्यापार इत्यादि में कई गुना वृद्धि एवं मुनाफा दिलाएगा। इसके अलावा आप इसे अपने गाड़ी में आगे लटका सकते हैं, यह आपको दुर्घटना आदि से बचाए रखेगा। दोस्तों, यदि आप ओम स्वास्तिक त्रिशूल खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 9870129099 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, यह ओम स्वास्तिक त्रिशूल हमारे विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ के माध्यम से सिद्ध किया गया है, अतः इसका प्रभाव इसको टांगने के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।